तो यार गाइज मेरे पास पूरे पूरे 22 क्रेट कूपन्स पड़े हुए थे, तो मैं सोचा थोड़ा क्रेट ओपनिंग कर लूँ और आपको दिखा भी दूँ। तो मैं क्रेट ओपनिंग करने लगा तो पता है पबजी का स्कैम, ज़्यादा कुछ मिलता है तो है नहीं। तो देखो क्या मिल रही है, और इसमें एक तगड़ी चीज़ मिलती है, और जिसमें तगड़ी चीज़ की बात कर रहा था वो तो तगड़ी चीज़ है ये। मतलब ठीक है, कुछ नहीं से कुछ ना होने से अच्छा कुछ ही सही। M416 की मॉन्स्टर वाली फिनिश, अभी पबजी वाले क्या स्कैम करते रहे, देखो दो बार वही फिनिश देने क्या ज़रूरत है भाई, एक बार मिल गया तो दूसरा कुछ दे दो यार। नहीं लेकिन कोई बात नहीं, चलो गेम प्ले में ध्यान देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्या चाहते हैं गेम प्ले की तरफ। हाँ तो तुम्हारे भाई ने 16 किल से कर लिए होते हैं, और सामने ड्रॉप आया होता है और हमारा भाई जा रहा होता है ड्रॉप पे, ड्रॉप लूटने ऑब्वियसली, और वहाँ पे चार बंदे आ रहे थे। देखो तुम्हारा भाई को कैसे भरता है, यार। और ये हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट नाइट, और स्वागत करता हूं आपका PUBG मोबाइल की बूम बैस्टिक वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वाले गेम प्ले में लोग पुचिंग की उतरे होते हैं इस वाले गेम प्ले में, और पुचिंग की उतरने के बाद हम लोग बंदे को ढूंढते, बंदे नहीं दिखते हैं नहीं, और तो फिर क्या कर सकते हैं बंदे, हम लोग तो उधर चला गया था, बंदे आ रहे हैं उनको आराम से मारने के बाद, दो बंदे आए हैं शायद, दो या फिर एक छोड़ा ही रहती है ओ भाई, ये कभी लैंड किया सामने मार्क किया है, तो उनको आराम से मारने के बाद दो आ जाते हैं इस वाली जगह, वो कुछ खास स्पॉट थी उनको मारने के बाद इस वाली जगह पे आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने दो बंदे को चलती गाड़ी से उतारा, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, और अभी मेरी हेल्थ डाउन हो गई थी, मेरी हेल्थ रिस्टोर कर रहा था तो मुझे यहाँ से फुटस्टेप्स आने लगे, जाने लगा क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि बंदा यहाँ पर है 100%। देखो क्या स्कैम होता है, मुझे फुटस्टेप्स अभी आएंगे, अब फुटस्टेप्स आएंगे मुझे। बंदा यहाँ पे बंदा, ठीक है बंदे को बैरल की गोली पड़ी फिर भी बंदा नॉक नहीं हुआ, ऊपर से बंदे ने नंबर 2 को भी नॉक कर दिया। मतलब इतनी हेल्थ किसकी हो सकती है, क्या है ये, मुझे दे दिया, अभी मरते बचाऊं मैं उसको अच्छी तरीके से, मतलब अभी करने के बाद रिवाइव करने के बाद हम लोग सीधा बंदे को पुश कर देंगे, बंदा हमारा रिवाइव हो चुका है, अभी हील विल करेंगे सीधा हम लोग बंदे पे पुश कर देंगे, दूसरे पीछे जाके पिछले के एंगल लेने कोशिश की थी, लेकिन एंगल लेता नहीं, एक बंदे को नॉक करता हूं लेकिन नहीं होता, और दूसरा बंदा तो आराम से आ जाता है। इसलिए तुम्हारे बंदे के 5 किल्स कंप्लीट होते हैं, और यहां पर एक और बंदा आया होता है लेकिन हाथ से निकल जाता है, बंदा ऊपर था मेरे रेंज में नहीं था, बंदे आते हैं यहां पर, बंदे काफी ज्यादा स्कैम हो गया, कैंपर रहता है जो हमारे नंबर 2 को नॉक कर देता है। यहाँ पर बंदे स्क्वाड हाउस की तरफ होते हैं, जो कि पोचिंग की का स्क्वाड हाउस, दूसरा वाला स्क्वाड हाउस, पहला वाला स्क्वाड हाउस में बंदे होते हैं तो कैंप कर रहे होते हैं, तो हम लोग उन बंदे को पुश कर देते हैं सीधा, हम लोग बंदे को पुश कर देते हैं, प्लानिंग कर देते हैं, बंदा भी है, देखो बंदे को कैसे मारते हैं बंदे ने, उस तरफ से मार दिया पीछे से, लेकिन वहाँ पर भी बंदे थे। उसके बाद तुम्हारे भाई ने चिकन डिनर आराम से कर लिया, मालूम है ना, समझ रहे हो ना वही ऐसे चिकन डिनर। उसके बाद हम भाई इस वाली जगह पर आते हैं, हम लोग रूनिक पावर मोड खेल रहे थे, और मुझे सामने एक ऑफलाइन बंदा दिखता है, AFK बंदा, तो उसको मैं मुक्के बसाता हूँ, लेकिन तब तक कि भाई साहब ऑनलाइन आ जाते हैं तो उनको मार के कुछ फर्क नहीं, फायदा नहीं है, ये मुझे घसीट के अपने टीम के पास ही लेके जाएगा, सच्चा गन लूट के चलते हैं इनके टीम के पास, और गन तो मिलती नहीं तुम्हारे भाई को यहाँ पर, तो आगे जाके मिलेगी सही रहेगा। और यहाँ पर हमारे एक टीममेट फुल नॉक फिनिश हो जाते हैं, वो मेरे से पहले रूम में घुसता है, मोस्टली गेटिंग वेपन्स इन पबजी मोबाइल हम लोग को मिल जाता है, मतलब हम लोग को था मुझे, और ये खतरनाक बॉस देख रहे हो, मतलब ऑटो पे फायर कर रहा है भाई साहब, इतना खतरनाक फायर बॉट से,
अब मैं अपना रोलिंग फॉर मोड ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मुझे फुटस्टेप्स आते हैं। नहीं भाई तुम्हें लूट कर, तुम्हारा लूटना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे यहाँ पर एक और बंदा दिखता है, उसको कैसे देखो मारते हैं। इसको भी फुल फिनिश किया और मेरे सारे टीममेट्स तो मर, सारे टीममेट्स ने मेरा मतलब नंबर टू तो मर चुका था। तो बोलता है अभी तो चैलेंज कर, बिना हेल्थ किए जितने भी बंदे दिखे सबको मार के दिखा। तो यार मेरे पास फर्स्ट एड किट तो थी लेकिन मैं क्या कर सकता, मैं हेल्थ नहीं कर सकता, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैं जितने भी बंदे मुझे दिख रहे हैं अभी मुझे मारना ही होगा शॉटगन से, शॉटगन से नहीं मतलब बिना हेल्थ रिस्टोर किए। और ये ओपी वाला कनेक्ट हुआ शॉट। उसके बाद मैं जैसे चार नंबर की वाइप होने जाता हूँ तब तक वो बंदा ब्लीड आउट हो जाता है भाई नंबर फोर। उसके बाद मुझे पता था मैं ज़्यादा देर तक टिकने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरी लिटरली 10 HP होगी। तो मैं एकदम सीधा सीधा पुश करता हूँ क्योंकि ये चैलेंज मुझे जल्दी कंप्लीट करना था ताकि मैं दूसरा गेम प्ले दूसरा गेम कर खेल सकूँ। और एक हम लोग चैलेंजिंग वीडियो भी करेंगे मतलब क्या ही कर सकते, अगर थोड़ी बहुत हेल्थ होती तो थोड़ा टिक भी लेके मार सकते थे, नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं ये वाले मैच में आया, ये वाले मैच में हम लोग उतरे थे अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट में हमें मतलब थोड़ी बहुत गन मिली, बंदे भी उतरे थे तो जैसी गन मिलती है हम लोग पुश कर देते बंदों पे। सामने वाले ऊपर वाले अपार्टमेंट में बंदे होते हैं, एक बंदा ऊपर नॉक कर दिया हमारे टीममेट को, कोई मत फिनिश करने की पूरी कोशिश करता है लेकिन फुल फिनिश नहीं होता है। हो सकता है उसके सारे टीममेट्स वहाँ पर हो, तो चलते देखते हैं टीममेट्स हैं कि नहीं वहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं सीढ़ी पे आता हूँ, फुटस्टेप्स ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ लेकिन फुटस्टेप्स ट्रेस होते नहीं है। ऊपर जाता हूँ देखता हूँ तब तक हमारे भाई साहब मतलब हमारे टीममेट्स मार चुके थे उसको। फिर जैसे ही हम लोग यहाँ पर से इस तरह फायर होते हैं तो हमारे स्कूल से फायर होता है हम पे, तो हम लोग स्कूल पर थोड़ा टिकट लेके देखने लगते हैं भाई कहाँ है ये बंदे। तो थोड़ा बहुत मतलब स्पॉट होते हैं बंदे, तो मैं उनको फायर देने की कोशिश करता हूँ। तो पहले स्कोप ऑन करने की कोशिश, स्कोप ऑन करके उनको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बंदे स्पॉट होते नहीं है। तो थोड़ी देर बाद बंदे मुझे स्पॉट होंगे, मैं ऐसे अंधी फायर कर रहा था। तो हमारा टीम में टॉक हो जाता तो काफ़ी देर तक वहाँ पर हम लोग टीपी पे लेके देखने के बाद बंदे ना पुश कर रहे था कुछ कर रहे, तो हम लोगों ने बंदों पे पुश कर दिया, सीधा सीधा बंदों पे पुश कर दिया। तो देखो कैसे बंदों को भरते हैं। सबसे पहले मैं इस तरफ आया नंबर टू के साथ, नंबर टू भी यहाँ पर खत्म किया, बंदा देखा उसको मैंने फायर दिया लेकिन शायद कनेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बंदा मैंने नॉक किया था उसको फुल फिनिश कर देता हूँ। और वहाँ पर बंदे हैं तो मैं नेट करने की कोशिश करता हूँ, शायद नेट में कोई कनेक्ट हो जाए। देखो सारे मेरे टीममेट्स कैसे घुस रहे हैं और मुझे मेरा बंदा दिख गया था कि वहाँ पर प्रोन पड़ा है, मैं दोबारा उसको मार दूँगा आराम से क्योंकि बंदा उस सब देख रहा था। लेकिन फिर इस सब देखने लगा कोई बात नहीं, फिर भी मार दिया उसको आराम से। अच्छे से लूटने के बाद पूरी मतलब पूरा बिल्डिंग आराम से शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइस उसके बाद हम लोग इस वाली जगह पर आते हैं, इस वाली जगह पर यहाँ पर हमें मतलब शायद ड्रॉप था, इस वाली जगह पर ड्रॉप था, हम लोग ड्रॉप वाली जगह पर आते हैं। यहाँ पर बंदे मतलब ड्रॉप की कैंपिंग किस लेवल तक हो सकती है वो आपको आज मालूम पड़ेगा। मैं सीधा सीधे गाड़ी उतार रहा हूँ लेकिन सामने कभी बंदों का फायर हो जाता है, लगता नहीं ज़्यादा गोली लेकिन मुझे मालूम पड़ जाता है बंदे ने फायर कहाँ से किया है। बंदा स्पॉट होता है, स्पॉट हुआ ये फायर किया, दूसरा बंदा भी स्पॉट हुआ तब तक हमारे भाई साहब ने किल ले लिया था, कोई बात नहीं फिर मार दिया। फिर हम लोग अच्छे से पूरा ड्रॉप रूप लूटने के बाद इस वाली जगह पर आते हैं, बंदे ने यहाँ पर फ्लेयर चला रखी होती है। तो देख रहे सारे बंदे कूद रहे हैं, मैं M24 का फटका देने की पर पत्नी लगता है नहीं। और ये सारे बंदे ऊपर आते हैं, परफेक्ट एंगल की तलाश में था लेकिन परफेक्ट एंगल मिल नहीं रहा था। मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक ऐसे मतलब आपको ऊपर के बैठा रहता हूँ कि बंदे दिखते नहीं, फिर मैं सोचता हूँ ऊपर जाके यहाँ टिक भी लेकर मारूँ लेकिन नहीं। और फिर प्रोन होने के बाद तो भाई और भी ज़्यादा नहीं दिख रहा यार, तो थोड़ा सा घास के उधर जाऊँ तो बंदे दिखेंगे लेकिन नहीं दिखते, तो मैं भी शॉट चला देता हूँ। उसके बाद हम लोग पुश कर देते लेकिन काफ़ी देर तक तो बंदे नहीं आते इसलिए पुश कर देते। और नंबर थ्री पुश कर दिया था इसलिए नॉक हो चुका, नंबर थ्री ने पुश किया था नॉक हो चुका था, इसलिए उन्होंने पुश कर दिया। फिर भाई इस नेट के कॉन्टैक्ट में भी बंदा नहीं आया तो हम लोग सीधा इसे लैम इन कर दिए। पहले मैं इस वाले बंदे को फुल फिनिश करता हूँ, फिर अंदर जाता हूँ, नंबर थ्री को फुल फिनिश कर दिया। मुझे मालूम था एक बंदा है लेकिन मैं यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर कोई बंदा है कि नहीं है, फिर डायरेक्ट एड्रेस को फिल कर देना, फुल फिनिश से नॉक कर देना। फिर इसका टीममेट हमारे दोनों टीममेट को नॉक कर देता है, देखो उसको कैसे भरते यहाँ हल्का सा डैमेज किया।
और ये फुल फिनिश। तो इसी हो जाती है वाली स्क्वाड वाइज। अगर आपको वाली स्क्वाड वाइज पसंद आई तो इस वीडियो को फटाफट से जाकर लाइक दे। अरे लाइक दो, देखते रहो। तो हम लोग इस वाली जगह पर आते हैं, ड्रॉप यहाँ पर। लास्ट का एक बंदा अलाइव था और मुझे मालूम था कि किल किसी को भी मिल सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में किसी और वाले गेम प्ले के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।